इस एग्जांपल्स में देखो, यहां फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है तो क्या हो रहा है, मोशन आ रहा है, मूव कर रहा है ना, ये जो भी काट है मूव करेगा। ओके, यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रही है तो ये बकेट मूव करेगी। ओके, यहां दोनों एग्जांपल्स में भी मूव कर रही है, इधर भी, यहां तो ये नीचे जाएगा या फिर ये ऊपर जाएगा, मतलब फोर्स लगने पे मूवमेंट होनी जरूरी है, होती होती है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कॉस मोशन में, इस एग्जांपल को देखो, कॉस मोशन यहां क्या हो रहा है, ये वेक्टर जा रहा है, कुछ फोर्स लगाते हुए जा रहा है। अब इसके पीछे ये जो बाउंड है, इसके साथ ये जो थ्रेड है या कुछ भी है, वो क्या लगा रहा है, इसके ये चीज इस पे क्या लगा रही है, उसने इसको पकड़ा हुआ है, क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। अगर देखो, सपोज ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था और ये मूव कर रहा है। ओके, ये रेस्ट पे है क्योंकि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी। अगर ये रेस्ट पे था तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी। अगर इसने इसको पकड़ लिया, ये मूव कर रहा है और इसने इसको पकड़ लिया, ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा अपनी ओर खींचने के लिए, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। मतलब फोर्स क्रिएट्स मोशन, फोर्स क्या क्रिएट करती है, मोशन को क्रिएट करती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या था हमारा, कैन स्टॉप मोशन। अगर फोर्स मोशन को स्टार्ट कर सकती है तो फोर्स मोशन को स्टॉप भी कर सकती है, रोक भी सकती है। एग्जांपल में दिख रहा है आपको, फुटबॉल आ रही थी, क्या किया प्लेयर ने, फुटबॉल को स्टॉप कर दिया। क्लियर है? अब कहीं भी देख सकते हो, कुछ आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, कोई मशीन कुछ भी, सपोज कुछ छोटा सा व्हीकल ही आ रहा है या फिर गाय आ रहा है, आप उसको थोड़ी सी फोर्स लगा के क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। मतलब फोर्स लग के मोशन आ रहा है और उस मोशन को हम रोक भी सकते हैं। क्लियर है ये? एनी डाउट? ओके, तो अभी मैंने फर्स्ट वाला जो पढ़ाया था, फर्स्ट इफेक्ट, कौन बता सकता है फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या था? यस मैडम, यस, फोर्स क्या कर सकती है, कॉज मोशन। ओके, सेट डाउन, एंड सेकंड तो आपके सामने ही है, कैन स्टॉप मोशन। थर्ड वन इज कैन चेंज स्पीड, कैन चेंज स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स मोशन को क्रिएट तो कर ही सकता है, साथ में उस मोशन की स्पीड को चेंज भी कर सकता है, उस मोशन की स्पीड को कम भी कर सकता है एंड ज्यादा भी कर सकता है। आपने मे भी बचपन में ऐसा कुछ किया होगा, बॉयज ने ज्यादातर, अगर नहीं किया तो देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना, बच्चे करते हैं विलेज में ऐसे, ये टायर को क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, अगर ये जल्दी जल्दी करेगा तो क्या होगा, इसके जल्दी जल्दी मारेगा तो क्या होगा, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्यों बड़ी स्पीड, क्या हुआ, उसने फोर्स ज्यादा लगाई, मतलब ज्यादा फोर्स लगाने पे स्पीड बढ़ जाती है, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स यहाँ पे लगाने लग गया तो वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल भी देख सकते हो, कुछ भी है, अगर कोई कार जा रही है, व्हीकल है आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास, एक्टिवा बाइक वगैरह होगी, तो उसमें क्या होगा, कभी स्पीड ज्यादा होती है, कभी स्पीड कम होती है, आप देखते ही हो रियल लाइफ में भी, तो उसमें क्या हो रहा होता है, फोर्स इंजन, इंजन वर्क कर रहा है, इंजन क्या कर रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, कम लगा रहा है, कभी ज्यादा लगा रहा है, कम लगा रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी, ज्यादा लगा रहा है तो स्पीड
डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है। या आपने रियल लाइफ में देखा ही होगा, टीवी पे देखा होगा या कहीं पे भी देखा होगा, ये बैट्समैन है या फिर जो भी प्लेयर है क्या कर रहा है, ये बॉल आ रही थी इसकी तरफ, क्या कर दिया इसने, बॉल को हिट किया एंड उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज कैसे हुई, क्या लगाई इसने, फोर्स लगाई, क्लियर, बॉल आ रही थी कुछ फोर्स लगाई इसने, क्या हो गया, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, अपोजिट हो गई, क्लियर। इस एग्जांपल में भी देख सकते हो आप क्या आ रहा है इसमें, कौन बता सकता है क्या आ रहा है इसमें, हाँ जी खड़े क्या आ रहा है इसमें, फुटबॉल प्लेयर बॉल को हिट कर रहा है, तो क्या हुआ हिट करने से, क्या हुआ हिट करने से, बॉल आ रही थी इसने हिट किया, क्या हुआ, हाँ मोशन क्रिएट हुआ, क्या पढ़ रहे हैं, चेंज डायरेक्शन, क्या होगा फिर डायरेक्शन चेंज होगी, और पीछे डाउन, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, क्लियर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेयर्स खेल रही हैं, जो गोल क्या बैडमिंटन खेल रही हैं, गोल क्या जो उसकी एक साइड से मारोगे तो क्या होगा, दूसरी साइड चली जाएगी, हर टाइम डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, क्लियर है, एनी डाउट। नेक्स्ट देखेंगे, कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकती है फोर्स, कैसे, आपको एग्जांपल सामने दिख रही है, क्या हो रहा है एग्जांपल में, खड़े होकर बताओ क्या हो रहा है, लेमन की शेप चेंज हो रही है, क्या करने पे, फोर्स लगाने पे, ओके गुड सेट डाउन, फोर्स लगाने पे, ये सभी ने किया होगा या देखा होगा है ना, लेमन की शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ऐसे कुछ भी आप कुछ रबड़ का देख लो, उसे फोर्स लगाओगे तो वो प्रेस हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, क्लियर है, आपके पास पेंसिल रबड़ के उपयोग से जो रबड़ है उसे रोड के देखो तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज होगी, कब चेंज होगी शेप, जब फोर्स लगेगी, क्लियर, ओके। सो एक बार मुझे अब जो न्यूटन है सभी ने लिख लिया, ओके गुड, अब जो न्यूटन है, न्यूटन को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, न्यूटन को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, एंड मास की यूनिट क्या होती है, अभी बोली थी मैंने आपको केजी, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, ओके नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूटन, माइंड में आता है कि न्यूटन होता क्या है, अगर आपको फोर्स के बारे में नहीं पता आपको न्यूटन के बारे में पता है, तो अगर हम कहेंगे व्हाट इज न्यूटन, हम ये तो हम कह सकते हैं इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम है साइंटिस्ट का, बट इट इज अ डिराइव्ड यूनिट, न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट, अब डिराइव्ड यूनिट से क्या समझते हो आप, ये दो क्वांटिटीज से बनी हुई है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डिराइव्ड है, कहां से डिराइव हुआ फोर्स, मास से एंड एक्सेलरेशन से, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या डिराइव होगा, फोर्स डिराइव होगा, क्लियर है,
अब फोर्स की यूनिट अगर हम लिखेंगे तो न्यूटन, मास की यूनिट अगर हम लिखेंगे तो केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट लिखेंगे तो मीटर और सेकंड स्क्वायर। ओके, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द इक्वेशन। उस इक्वेशन की ये क्या है, यूनिट्स। अगर हम इसको और एक्सपेंड करें इसी तरह तो हमारे पास क्या मिलता है, मूव केजी इनटू न्यूमरेटर ऑफ द एक्सेलरेशन यूनिट। हमने केजी को कहां पे मूव कर दिया, एक्सेलरेशन की यूनिट की तरफ। क्या होगा, जो सेकंड का स्क्वायर था वो इससे क्या गया, नॉट दैट केजी एंड एम आर मल्टीप्लाई। केजी और एम क्या हो रहे हैं, दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं केजी और एम को। एम इज अ मीटर, एम इज मीटर, तो अ किलोग्राम टाइम्स अ मीटर, किलोग्राम टाइम्स अ मीटर, मीटर का किलोग्राम टाइम्स इज अ किलोग्राम मीटर, मीटर का किलोग्राम टाइम्स क्या होगा, किलोग्राम मीटर। सो न्यूटन इज अ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इज अ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब कौन बताएगा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? यस बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फॉर्मूला नहीं पूछा, एम, एम को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, सेट का फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और न्यूटन कहां से बनी है, दो यूनिट से बनी है, कौन कौन सी यूनिट से बनी है, कौन बताएगा, रेस कर सकते हो अपने हैंड, कौन बताएगा, यस कौन बताएगा, यस बताओ, एम एंड ए, कहां से डेराइव हुई है, मास और एक्सेलरेशन से। ओके, तो आपको मैं थोड़ी सी फीलिंग लाना चाहता हूं कि मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है, वहां से क्या बना है, न्यूटन। न्यूटन होता क्या है, यहां आप इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, आप बताओ खड़े होकर क्या हो रहा है, पुशिंग हो रही है, मतलब क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। ओके, सेट डाउन, आप फील कर सकते हो एलिफेंट को पुश कर रहा है, कितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है इसे, एलिफेंट को पुश कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, तो फील कर सकते हो कि कितनी ज्यादा फोर्स होगी, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। अब यहां देखो, इस एग्जांपल में ये ब्लैंक बॉक्स है, खाली है ये, तो इसको कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, उसमें कुछ उन्होंने डाल दिया, कुछ मैटर डाल दिया, तो फोर्स कितनी हो गई है, 10 न्यूटन। तो ये जो यहाँ पे खड़ा है ये फील कर सकता है, आप भी फील करके देख सकते हो, ये खाली था तो 10 न्यूटन थी, डबल हो गई फोर्स, क्या हो गई, डबल हो गई, इसे डबल फोर्स लगानी पड़ रही है। आप इसमें देख सकते हो ये सिर्फ क्या कर रहा है, जैसे आप बताओ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, किसको फोर्स लगा रहा है, डोर को, सिट डाउन, ओपन कर रहा है डोर को, कितनी कम फोर्स चाहिए एक डोर को ओपन करने के लिए, फोर्स कम ही चाहिए, आपके सामने कोई डोर ऐसे ओपन करना है, थोड़ी सी फोर्स चाहिए, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। क्लियर है, यहां पे क्या हो रहा है, टॉक्सिन खेल रहे हैं, ये उसको हिट कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है इसको, 400 न्यूटन, 500 न्यूटन, बुरी हालत हो जाती है बॉक्सिंग के प्लेयर्स की, है ना, तो आप सपोज करके
देखो, फील करके देखो कि 10 न्यूटन, 5 न्यूटन या 1 न्यूटन कितना होता है और 200 न्यूटन या फिर 400, 500 न्यूटन कितना ज्यादा होता है। क्लियर है? ओके। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं? डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन। बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो मोशन में कोई चेंज नहीं लाती। क्लियर? व्हेन बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। क्या लिखा है यहाँ पे कि बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो मोशन में कोई चेंज नहीं लाती। जैसा मोशन था वैसा ही रहेगा। अभी आपको एग्जांपल में बताऊंगा, आप अभी लिख सकते हो साथ में। और अनबैलेंस कौन सी होती हैं? फोर्सेस दैट कॉजेस अ चेंज, वोली फोर्सेस जो मोशन में क्या लाए, चेंज लाए। उन फोर्सेस को क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्सेस। क्या नोट डाउन कर सकते हो जल्दी? Having acceleration of
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द बॉडी? लास्ट में लिख लेना, गिवन मास ऑफ द बॉडी इज 10 केजी. मास ऑफ द बॉडी इज 10 केजी. सो यह आप होमवर्क करके लाना, मैं चेक करूंगा. अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो